नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बैतूल ताप्ती शिव महापुराण के पहले नगर में निकली धर्म ध्वजा। प्रसिद्ध शिव पुराण कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कोसमी फोरलेन पर आगामी 12 से 18 दिसंबर तक की जाएगी। कथा को लेकर धर्म ध्वजा यात्रा शनिवार को किलेदार गार्डन से कथा स्थल तक निकाली गई। इस दौरान धर्म ध्वज यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। बैतूल नगर में शिव महापुराण कथा 12 दिसंबर से शुरू होने वाली है। कथा से पहले धर्म ध्वजा यात्रा निकाली गई। श्री ताप्ती शिव महापुराण कथा 12 दिसंबर से शुरू होकर 18 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। कथा शुरू होने से पूर्व कोसमे स्थित कथा स्थल से एक विशाल धर्म ध्वजा यात्रा निकाली गई। ध्वजा यात्रा गेंदा चौक से कारगिल चौक मोहल्ला, मैकेनिक चौक, दिलबहार चौक होते हुए बिजासन माता मंदिर से कोठी बाजार और वहां कोसमे स्थित कथा स्थल पर जाकर समाप्त हुई। ध्वजा यात्रा में बैतूल के कलाकारों ने भी हिस्सा लिया और यात्रा में व्यायाम शाला एवं अखाड़ों के द्वारा प्रदर्शन भी किए। यात्रा में चलित भजन कीर्तन भी रहा। जगह जगह फूल वर्षा के साथ यात्रा कथा स्थल पर पहुंची। जानते कि हमारे शहर में प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हो रहा है, उनकी कथा के लिए और ये ध्वज की पुनर्स्थापना के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हमारी ये ध्वज यात्रा निकल रही है जो यहाँ से कथा स्थल तक जाएगी और उसमें हमारे मुख्य आयोजक है बात्री जी और उनके सहयोगी है किलेदार परिवार। किलेदार परिवार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है और हमारे बैतूल जिले की जनता का भी काफ़ी सहयोग है। और आप देख ही रहे हैं कि नारी शक्ति आज कितनी उत्साहित है इस कथा को लेकर, सेवा करने के लिए सारी ये हमारी मातृशक्ति आज यहाँ एकत्रित हुई है और हमारी मातृशक्ति बहुत ही उत्साहित है कि हमारे शहर में बैतूल जिले में हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी पधार रहे हैं। ये प्रोग्राम कब से कब तक के? 12 दिसंबर से, ये 12 से 18 दिसंबर तक है। 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक आयोजित है। शहर के सभी मतलब आसपास के गांव के और दूर दराज के काफी लोगों के आने की संभावना है। 3 से 4 लाख पब्लिक आने की संभावना है। व्यवस्था भी भरपूर की गई है, रुकने की बैठने की सारी व्यवस्थाएं बहुत व्यवस्थित की गई है और ये हमारे किलेदार परिवार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः शिवाय।